हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, यह है राजीव क्वेश्चन बैंक और यह है क्लास 10 के इंग्लिश की है और यह 2024 का न्यू पैटर्न है। ये बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस क्वेश्चन बैंक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं तो हम देखेंगे। देखिए किस तरह का कॉन्टेंट आ रखा है इसके अंदर। ये शुरू में इसकी समरी दे रखी है कौन कितने नंबर का आएगा। तो चलिए देखते हैं इसमें कैसे कैसे कॉन्टेंट है एग्जाम के लिए, उसको समझते हैं। देखिए शुरू में जो आपको मिलेंगे एमसीक्यू मिलेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे, उसके ऊपर आधारित ये प्रश्न है। और ये है शुरू में रीडिंग पैसेज, और पैसेज जैसे कि आपको पता है कि एग्जाम में आते हैं काफी सारे, तो इस तरीके के पैसेज इसमें आ रखे हैं। और आगे देखिए कैसे कैसे कंटेंट आ रखा है। ये सारे के सारे क्या है, इसमें पैसेज हैं। आप भी देख सकते हैं इस तरीके के सारे पैसेज आए हैं। ओके चलिए आगे कैसे कैसे कंटेंट है इसके अंदर वो सारा कुछ समझते हैं। ओके फ्रेंड्स देखिए अगला कंटेंट देखिए इसमें आगे क्या रखा है। ये भी सारे के सारे क्या है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, इस तरीके से आ रखे हैं। और ये सारे के सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ये सारे जो चैप्टर हैं हम सॉल्व करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, और हम डीपली तरीके से इसको पढ़ेंगे और ट्रांसलेशन समझेंगे इसका इंग्लिश टू हिंदी में। अब ये केवल आपको दिखाया जा रहा है किस तरीके का कंटेंट इसमें आ रखा है, आप ये देख सकते हैं। तो इस तरीके का कॉन्टेंट इसके अंदर आता है। चलिए ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन चल रहे हैं। अब भी क्या है, ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, लेटर टू गॉड के क्वेश्चन आ गए। ये चैप्टर बेस्ड क्वेश्चन है एमसीक्यू के, जो 20 नंबर के आपके एग्जाम में आते हैं। तो इस तरीके से ये इसके आंसर की भी दिखा रखी है, इन सब क्वेश्चन की, ये सारे जो क्वेश्चन हैं इनकी आंसर की है। और आप जाके मार्केट से ला सकते हैं, ये अच्छा खासा क्वेश्चन बैंक है बोर्ड एग्जाम के लिए। और देखिए इसमें सारे के सारे इस तरीके से ये चैप्टर बेस्ड क्या है, ये पैसेज हैं। और देखिए आगे क्या क्वेश्चन आ रखे हैं इसके अंदर, इस तरीके से और आ रखे हैं चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। चैप्टर वाइज है ये, अ लेटर टू गॉड के, ये अ लेटर टू गॉड के क्या है एमसीक्यू है। ये सारे के सारे हम चैप्टर वाइज सब के सब पढ़ेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ए टू जेड हम सारे के सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे, सब आपको समझाए जाएंगे कि किस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम के लिए इनको याद करना है, समझना है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं सब क्वेश्चन इस तरीके से आ रखे हैं। ओके चलिए ये सारा कुछ आपको पढ़ाया जाएगा। ओके और ये है पोइट्री पर आधारित। देखिए पोइट्री वाला चैप्टर आ चुका है, द वे अ क्रो, इस तरीके के इसके क्या है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ चुके हैं। ओके ये स्टैंजा पर आधारित है, किस पर, स्टैंजा पर, क्योंकि तो ये पोइट्री के हैं। तो इस तरीके से इसका कंटेंट आ रहा है, आप ये देख सकते हैं सारा कुछ इसका कंटेंट। ओके चलिए आगे देखते हैं आगे क्या क्या आ रखा है इसमें। और ये आ रखे हैं देखिए, ये अमांडा चैप्टर है, द ट्री चैप्टर है, और फोग चैप्टर के आ चुके हैं ये, इस तरीके से देख सकते हैं ये सारा कंटेंट। ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। ओके ये सबके क्या है, चैप्टर बेस्ड क्वेश्चन है। ये पोइट्री के आ चुके हैं, जो पोइट्री चल रही है इसी के क्वेश्चन है इसमें, इस तरीके से इसमें कॉन्टेंट आ रखा है। और अब देखिए सप्लीमेंट्री रीडर आ चुकी है, चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये सारे के सारे क्वेश्चन क्या है, ये है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके सप्लीमेंट्री के। ये अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, जेम्स हैरिट इसके राइटर हैं। तो इस तरीके से क्या दे रखे हैं ये सब के सब इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप ये पढ़ सकते हैं ध्यान से। और जो आ रखे हैं ये सब चैप्टर बेस्ड है, देखिए चैप्टर बेस्ड आ रखे हैं। ये नेक्स्ट वाला चैप्टर है कि द मिडनाइट वेक्टर। ओके ये फूड फ्रेंड्स विदाउट फीट आ रखे हैं, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट क्या रखे हैं, ये सब कुछ हम डीपली तरीके से पढ़ेंगे, एक एक चैप्टर सॉल्व करेंगे। ओके चलिए इस तरीके से आप देख सकते हैं इसका कंटेंट। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके जस्ट इसके नीचे आंसर की भी हैगी इसकी। तो पूरी क्वेश्चन बैंक हम रिव्यू कर रहे हैं केवल इस वीडियो के अंदर। तो इस तरीके का कंटेंट आता है राजीव क्वेश्चन बैंक में। अब आते हैं इसमें लेटर राइटिंग और एप्लीकेशन, और लेटर राइटिंग और एप्लीकेशन इस तरीके का कंटेंट है इसके अंदर, ये देख सकते हैं आप। ये सारे क्वेश्चन इस तरीके से आ रखे हैं, एक आ रखा है लेटर राइटिंग के रूप में, ये आ रखा है इस तरीके से इसमें आता है, इसमें राजीव क्वेश्चन बैंक में कॉन्टेंट। ओके आप देख सकते हैं सारा कुछ हम दिखा चुके हैं इसके अंदर, सारा कुछ हम दिखा रहे हैं, आप ये ध्यान से देखिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ये आपको ज़रूर तैयार करनी है, मोस्ट टाइम पे ये वाली जो एप्लीकेशन है। ओके और ये लेटर राइटिंग और एप्लीकेशन सारे के सारे मोस्ट टाइम पे हैं जो
ज्यादा आ चुकी हैं एग्जाम में। अब इस तरीके से कंटेंट इसका तो आ रखा है, अब आते हैं इसके डिस्क्रिप्टिव, ये आ चुके हैं। देखिए रिपोर्ट राइटिंग मतलब ऐसे आ चुके हैं कि ऐसे हैं डिस्क्रिप्टिव तरीके से विदाउट हेडिंग्स की। देखिए दिवाली पर आप याद कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, दिवाली पर काफ़ी बार आ चुका है। और ये सेंट्रल आइडिया है और टाइगर इन द जू, मोस्ट टाइम पे इसको जरूर तैयार करके जाना। ये जो सेंट्रल आइडिया है इसको जरूर से जरूर तैयार करके जाना है। ओके, और आपको तैयार करना है माई फ्रेंड या फिर माई बेस्ट फ्रेंड पर, ये मोस्ट टाइम पे कुछ है सेंट्रल आइडिया। और आपको तैयार करना माई फ्रेंड या फिर माई बेस्ट फ्रेंड पर, एक आपको तैयार करना है ये एसे, और एन आइडल टीचर पर याद करना है, ये काफ़ी बार आ चुके हैं, और एन इंडियन फार्मर पर। ये सारे के सारे क्या हैं, आईएमपी हैं, और माई विलेज पर काफ़ी आता है, माई विलेज वाला देख लेना। इस तरीके का सारे कंटेंट है, आप भी देख सकते हैं। अब आते हैं इसमें नरेशन, वॉइस, पंचुएशन। ये नरेशन है, नरेशन मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, और पंचुएशन होते हैं विराम चिन्ह वगैरह जो लगाते हैं। तो इस तरीके का सारा ये कंटेंट है इसमें, आप भी देख सकते हैं ध्यान से। चलिए, और इस तरीके के आते हैं इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अब देखिए पहला चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, और इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इस तरीके से आ रखे हैं, अभी समझ सकते हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन किसके हैं, अ लेटर टू गॉड के हैं, ये नेल्सन मंडेला के हैं। ओके, तो इस तरीके से इसमें कॉन्टेंट आता है। फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रेंक के ये आ रखे हैं। इस तरीके से कंटेंट आता है, आप देख सकते हैं। मिजविल दी ऑर्डर से ये आ रखे हैं क्वेश्चन। मैडम राइस का वास, इस चैप्टर के देखिए कितने सारे क्वेश्चन है, आप भी देख सकते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सारे के सारे क्वेश्चन क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, सब ये देख सकते हैं आप। अभी आते हैं इसके देखिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, अ लेटर टू गॉड के, अ लेटर टू गॉड के लॉन्ग आंसर है, ये देख सकते हैं आप। इस तरह का कॉन्टेंट है इसके अंदर। देखिए ये मैडम राइट से दबस के हैं, लॉन्ग क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है किसके, ये हैं आपके पोइट्री के, डस्ट ऑफ स्नो के हैं, फायर एंड आइस के हैं, और टाइगर द जू के हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, पोएम्स हैं। अब आते हैं इस क्वेश्चन बैंक के, देखिए सेंट्रल आइडियाज, सेंट्रल आइडिया हैं वो 3 नंबर का आते हैं। पहला दे रखा है डस्ट ऑफ स्नो, सेंट्रल आइडिया फायर एंड आइस का दे रखा है, इनको आपको जरूर देख के जाना है, पढ़ के जाना है। और आर टाइगर एंड द जू का दे रखा है, और इसके अंदर जो आपको तैयार करना है अमांडा का याद कर लेना है, द ट्रीज का काफ़ी आता है। तो ये सारे के सारे सेंट्रल आइडिया के हैं, मोस्ट टाइम पे इनको देख के जरूर जाना है। अब सप्लीमेंट्री रीडर के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं। पहला चैप्टर है इसमें आर्टर ऑफ सर्जरी, इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं इस तरह का कंटेंट है इसके अंदर। ये सारे के सारे क्या हैं, शॉर्ट आंसर हैं। दूसरा है द थीप्स स्टोरी, ये इसके हैं शॉर्ट आंसर। तो इस तरीके से इसमें कंटेंट आता है राजीव क्वेश्चन बैंक में, और न्यू क्वेश्चन बैंक है 2024 का, आप ये मार्केट से जाकर खरीद के ला सकते हैं। ओके, तो इस तरीके का आप ये कंटेंट देख सकते हैं। ये भोली वाला चैप्टर आ चुका है, डिस्क्राइब फैमिली, डिस्क्राइब द फैमिली ऑफ रामलाल। और देखिए इसमें क्या है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ये इसके आ रखे हैं, आर्ट ट्रम्प ऑफ सर्जरी के आ रखे हैं, ये लॉन्ग आंसर आ चुके हैं। देखिए जैसे इस स्टोरी के शुरू से ये चैप्टर वाइज चल रहे हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन है इसकी। और देखिए लास्ट में आपको क्या मिलेंगे, लास्ट में मिलेंगे इसके एक मॉडल पेपर है। देखिए अगर ये मॉडल पेपर आपसे सॉल्व करने नहीं आते, सारे मॉडल पेपर हम सॉल्व करेंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इन सारे मॉडल्स पेपर को हम सॉल्व करेंगे ध्यान से, और आपको बताया जाएंगे कैसा करना है एग्जाम में, तो आप ये देख लें।
ओके, अब आपको इनकी वीडियो मिलेंगी क्रम बाई क्रम तरीके से। ये सारे के सारे शुरू में रखें इसके 20 नंबर के एमसीक्यू, और इसकी है ओमार सीट किस तरीके से फिल करनी है, भरनी है। तो इसका क्या है, ये पहला वाला मॉडल पेपर है इस तरीके से, इसमें दे रखा है। ओके, अब आता है प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2024, ये भी एक मॉडल पेपर है इसका, क्वेश्चन बैंक का। तो इस तरीके का इसमें क्या है, ये मॉडल पेपर है, आप देख सकते हैं, और इसको हम करेंगे सॉल्व। ओके, ये इसकी क्या है, ओमार सीट है, देख सकते हैं आप। और अब आ चुका देखिए प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2024, ये इसका मॉडल पेपर है, ये इसका क्या है मॉडल पेपर आप देख सकते हैं, और इसको करते हैं सॉल्व फिर। और ये क्या है इसका, ओमार सीट है। ओके चलिए, अब ये है आपका मॉडल पेपर बोर्ड एग्जाम, मॉडल पेपर बोर्ड एग्जामिनेशन 2024, ये न्यू। और ये देखिए, और ये देखिए चौथा वाला मॉडल पेपर है इसका, बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 क्लास 10 के लिए। ओके, ये इस तरीके का क्या है इसका कंटेंट है, आप ये देख सकते हैं ध्यान से इसको। ये इसका लास्ट वाला मॉडल पेपर है पांचवा। ओके, आप ये देख सकते हैं इस तरीके से, और ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट भी। ओके, इन सारे मॉडल्स पेपर को हम सॉल्व करेंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फिर आपको बताते हैं कैसा आपको उनको सॉल्व करना है। तो ये इस तरीके का मॉडल पेपर आ चुका है पांचवा, और इसमें टोटल पांच मॉडल पेपर हैं, और काफ़ी हैं। तो हमने पूरी क्वेश्चन बैंक का रिव्यू कर दिया है, इसका जो प्राइस है 127 रुपीज़ है, और इसका जो लेस कार्ड का आपको 100 रुपये के आसपास में मिल जाएगी। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए। ओके फ्रेंड्स।